मार्केट में एक मैसेज है मोदी के बारे में, इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो। मैंने शुरू में ही मैं घोषणा किया था कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूं और मैं भविष्य में रहूंगा। कुछ है, हमारे साथ में न्याय नहीं मिला, ये भी आपका कहना सही है, हमारे पार्टी के साथ में न्याय नहीं मिला, लेकिन 6 तारीख को जब अपने पार्टी की बैठक मैंने बुलाया, हमारे बिहार के 38 जिला में से 36 जिला का अध्यक्ष मेरे साथ था। 8 लोकसभा बिहार में बाकी है, 3 चरण का बाकी है, हमारी पार्टी हम लोग एनडीए गठबंधन के ईमानदार और वफादार सहयोगी है। एक अलग बात है कि मुझको इस गठबंधन में हमारी पार्टी को सीट नहीं मिला, लेकिन हमारी पार्टी हम पूरी मुस्तैदी से, हमारा जो संगठन है पूरे बिहार में हमारी पार्टी का संगठन है और हमारी पार्टी के साथ साथ सामाजिक संगठन मेरा है दलित सेना, जो पार्टी के पैरेलल में मेरा काम करता है। पूरे पासवान जी के समय से पूरे देश में दलित सेना का गठन हुआ था, तो इस तरफ से मैं हम अपने तमाम 8 जिला के जिला अध्यक्षों को मैं बुलाया हूँ और सभी लोगों को हमारी पार्टी के द्वारा बैठक हुई है और इस कार्यकर्ता से सभी लोग आए हुए भी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया कि पूरे बिहार में जो शेष बचा हुआ है 8 लोकसभा क्षेत्र, उसमें एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हों, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और जो भाजपा के तमाम लोग उम्मीदवार हैं, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं और जो भी दल के उम्मीदवार हों, पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से हमारी पार्टी हमारा संगठन हम लोग सबको मजबूत करेंगे। और जो देश का वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में आप देखे हुइएगा कि पूरे देश में एक मोदी लहर है और मोदी जी के नाम पर मैं भी कई जगह गया था, मैं हरियाणा में गया था, पंजाब में गया था, दिल्ली से मैं कल आया। मार्केट में एक मैसेज है मोदी के बारे में, इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो। उम्मीदवार तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 से लेके और आज तक 24 तक मतलब 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम हुआ, चाहे दलित हो, शोषित हो, ऊंची जाति के गरीब लोग हों, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, सभी के हित की बात उन्होंने की। वन नेशन वन राशन कार्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त प्रत्येक व्यक्ति को अनाज दिया जा रहा है, वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है, किसानों को सब्सिडी दिया गया है, जो लोग दवाई के अभाव में पैसे के अभाव में जिनकी मृत्यु हो जा करते थे प्रधानमंत्री जी ने अपने कोष से 5 लाख रुपया की स्वीकृति दिया, अब तो उन्होंने जनरल कर दिया है 70 वर्ष से जिनका उम्र पूरा हो जाएगा उनको फ्री में 5 लाख रुपये का दवाई मुहैया किया जाएगा। इस ढंग से उन्होंने सभी लोगों की हित की बात की, स्पेशल पार्लियामेंट के सेशन बुला करके उन्होंने महिला का आरक्षण मिल दिया। तो एक मैसेज है पूरे देश में, पूरे विदेश में भी एक मैसेज है कि प्रधानमंत्री आज के तारीख में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में माने जाते हैं। तो हमारी अपनी जो है हम लोगों का जो सर्वे उसके मुताबिक देश में 3री बार 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और 3री बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे। ये देश की वर्तमान स्थिति और देश के हालात के लिए भविष्य की राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नरेंद्र मोदी जी से अच्छा देश में प्रधानमंत्री का दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। और बिहार में हम लोग का प्रयास है, अगली बार 2019 में 1 सीट हम लोगों से छूट गया था, हम लोग का प्रयास है कि बिहार में 40 में 40 सीट हमारा गठबंधन जीते। ये सब तो आप बोलते रहे हैं, आइए आइए सामने आइए, फ्रंट पर आइए, पीछे मत आइए। हाँ जी जी बोला जाए। आपकी एक तरफा प्रेम का क्या रहा? देखिए मेरा एक तरफा कुछ नहीं, मैंने शुरू में ही मैं घोषणा किया था कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूँ और मैं भविष्य में रहूंगा। कुछ है, हमारे साथ में न्याय नहीं मिला, ये आपका कहना सही है, हमारे पार्टी के साथ में न्याय नहीं मिला, लेकिन हम जहाँ थे वहीं हैं और भविष्य में भी हम वहीं रहेंगे। एनडीए गठबंधन के हम ईमानदार सहयोगी थे,
और आज भी है और हम भविष्य में भी रहेंगे, उसमें कोई इफ अगर बट का सवाल नहीं है। आपने देखा होगा भाई साहब, चंदन सिंह बेचारे प्रयास करते रहे, और ठीक है जब जब उसको ठीक है प्रयास चंदन सिंह जी भी किए, कुछ तो डील हुआ होगा, क्या डील हुआ इसका जवाब। अरे क्या डील होगा, मगर चंदन जी बताएंगे, बताइए जिसने दिया। चंदन जी क्या बताएं, आप बताइए आपके साथ क्या डील हुआ, चार के बाद आपको क्या बनाया जाए। हमारे साथ तो कोई डीलिंग नहीं हुआ है। तो फिर ये एक तरफा प्रेम क्यों, एक तरफा कहा, राजनीति करने वाला कोई साधु को जमात नहीं होगा। मैं जिस गठबंधन में हूँ, फिर सुनिए, मैं जिस गठबंधन में हूँ आपने देखा होगा मुझको एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन मैं 6 तारीख को जब अपने पार्टी की बैठक मैंने बुलाया, हमारे बिहार के 38 जिला में से 36 जिला का अध्यक्ष मेरे साथ था, और जिसके तरफ आपका इशारा है उसको 5 सीट मिला, उसका 22 लोग भाग गया। तो राजनीति असूल से किया जाता है, हम लोग संगठन करता है, संगठन से जुड़े हुए हैं, 48 वर्ष से हम बिहार के राजनीति में विधायक सांसद।